नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ काजल। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रताप सिंह बाजवा मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा में काम रोको प्रस्ताव लेकर आए। काम रोको प्रस्ताव किसानों के मुद्दे पर चर्चा के लिए लाया गया। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि 8 महीने से किसान सड़कों पर हैं, लेकिन सरकार अहंकार में डूबी हुई है। उन्होंने कहा कि 400 से ज्यादा कुर्बानी देने के बावजूद भी किसान अहिंसा और अनुशासन के रास्ते पर चल रहे हैं, लेकिन सरकार आंदोलन की अनदेखी कर रही है। सरकार किसानों के मुद्दे पर चर्चा नहीं करना चाहती है, इसलिए काम रोको प्रस्ताव को खारिज किया गया है। उन्होंने कहा कि हम किसानों की आवाज़ को हर स्तर पर उठाएंगे। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि संसद के भीतर किसानों के मुद्दों को आवाज देने का भरसक प्रयास जारी रहेगा। दिल्ली से हमारे एडिटर इन चीफ राजेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। आज मानसून सत्र के पहले दिन प्रताप सिंह बाजवा जी ने और हमने काम रोको प्रस्ताव हम लेके आए 267 रूल के तहत। किसान आज देश का सड़क पे है, संघर्ष कर रहा है। 8 महीने से 400 जानों की कुर्बानी के बावजूद, हर तरह के मुश्किलों को सहने के बावजूद, आज देश का किसान 3 काले कानूनों की वापसी के लिए शांति से अहिंसा के रास्ते पे अपने बात उठा रहा है, संघर्ष कर रहा है। लेकिन इस सरकार का अहंकार नहीं टूटा अभी तक। सरकार तो बातचीत तक के लिए किसान से तैयार नहीं। ऐसे में हमारे पास एक ही प्रस्ताव खुला था, हम काम रोको प्रस्ताव लेके आए, मगर दुर्भाग्य यह है कि राज्य सभा के सभापति महोदय ने हमारे काम रोको प्रस्ताव को खारिज किया। लेकिन हमने जो लड़ाई लड़ सकते थे लड़ी, और आगे भी किसानों के लिए जो लड़ाई लड़नी होगी हम लड़ेंगे। जैसे दीपेंद्र जी ने, मेरे छोटे भाई ने बताया, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, राजस्थान के किसान की और सारे देश में जहाँ भी किसान बैठा हुआ उसके इंटरेस्ट की लड़ाई हम फ्लोर ऑफ द हाउस में लड़ रहे हैं। हमें अफसोस इस बात का है कि ऑनरेबल चेयरमैन साहब, जिनकी हम बहुत इज्जत मान और सम्मान करते हैं, उनको इस बात की हमने जानकारी दी, पहले नोटिस भेजा कि पिछले 7-8 महीने से हमारे किसान भाई दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे, 400 से ज्यादा ने अपनी जान कुर्बान कर दी। वो आपके अन्नदाता है, वो इन अन्नदाताओं की कम से कम आप बिजनेस सस्पेंड कीजिए, हमारी बात सुनिए। बात सुनने को तैयार नहीं। और अफसोस की बात यह है कि एक बार हमारे पास कागज भेजा गया कि प्राइम मिनिस्टर साहब नए कैबिनेट मिनिस्टर्स की इंट्रोडक्शन करेंगे। भाई प्राइम मिनिस्टर्स को तो सभी जानते हैं, किसानों की बात कौन रखेगा।